प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेपाल यात्रा से पहले एसएसबी और उत्तर प्रदेश पुलिस ने भारत नेपाल सीमा पर चौकसी तेज कर दी है। एक अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि मुख्य रूप से रात में होने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए निगरानी की जा रही है। नेपाल के प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 मई को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लुम्बिनी की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। 2014 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी की यह पांचवीं नेपाल यात्रा होगी। गोरखपुर सेक्टर के उप महानिरीक्षक डीआईजी सशस्त्र सीमा बल मंजीत सिंह पड्डा ने बताया कि इलाके में आतंकवादियों की किसी भी गतिविधि को रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को सीमा पार करने से पहले लोगों की पहचान करने के लिए कहा गया है। उन्होंने बताया कि नेपाल जाने वाले मुख्य मार्गों के अलावा एसएसबी चौकी पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। एसएसबी के नशीले पदार्थों हथियारों महिलाओं की तस्करी रोधी शाखा के प्रशिक्षित श्वान दस्ते को भी तैनात किया गया है। सोनली और चुटुबाड़ी में मेटल डिटेक्टर और बैगेज स्कैनर लगाए गए हैं। अधिकारी ने बताया कि एसएसबी ने मुख्य रूप से रात में होने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा पर चौकसी तेज कर दी है और कर्मियों को सीमा क्षेत्र में गश्त के दौरान 24 घंटे सतर्क रहने को कहा गया है। खुफिया इकाइयों को सीमा से लगे धार्मिक स्थलों पर भी नजर रखने को कहा गया है। पड्डा ने बताया कि सशस्त्र सीमा बल और नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले महाराजगंज सिद्धार्थ नगर और बलरामपुर जिलों में पुलिस को अलर्ट कर रखा गया है। उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ 599.3 किलोमीटर लंबी खुली सीमा साझा करता है जो 7 जिलों पीलीभीत लखीमपुर खीरी बहराइच श्रावस्ती बलरामपुर सिद्धार्थनगर और महाराजगंज से सटी है। ब्यूरो रिपोर्ट आईपीएन।